रहता है, कैमरा देख के हिम्मत करता है कि भाई गोरे हैं क्या, बट पता चलता है बाद में काले हैं। ओप्पो बेस्ट, अर्जुन भाई बोले बेस्ट है, मस्त है ना कैमरा, वैसे अच्छी क्वालिटी रहती है इसमें, एक नंबर जबरदस्त क्वालिटी। मतलब जितने लोग वीडियो में जब बनाता ना, तो कई सारे भाइयों ने कमेंट किया, बोला भाई कौन सा कैमरा यूज करते हो, मैंने कहा भाई कैमरा नहीं फोन है मेरे पास, ओप्पो का कैमरा रावस है, ओप्पो ये 5-3 गरीब है इसके। अरे नहीं यार, गरीब काहे को यार, आपकी पर्सनल गाड़ी है यार, गरीब गरीब तो हम जो कि ड्राइवरी सीख रहे हैं। तो क्या है ना भाई, मतलब आपको सजेस्ट करना चाहूँ ना, अगर आप यूट्यूब चलाना चाहते हो तो कम पैसों में ओप्पो A53 बेस्ट फ़ोन है, मस्त क्वालिटी है, बढ़िया लीजिए, और महंगा फ़ोन ज़्यादा ना ले और ना ही कोई कैमरा ले, अच्छा है और आप लोग आराम से ख़रीद सकते हैं, मस्त से यूज़ कर सकते हैं। देखते रहिए भैया, भिवंडी का ट्रैफिक देख के तो पूरा सर दर्द करने लगा है सच में, अब दिल नहीं करता इधर गाड़ी चलाने, जाके घर सो जाऊँ ऐसा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है, अब कोई शॉर्टकट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर भी फंसे उधर भी फंसे है, बीच के बीच है नाव ना कहते हैं भैया, मझदार में अटक गई है बीचों बीच में, ना इधर को ना उधर को, अब आगे ही बढ़ने का चांस है, मगर कुछ भी हो ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने की रास्ता नहीं है। मगर भिवंडी या ट्रैफिक का एक नियम मुझे अच्छा लगता है ना, दुनिया हर किसी को पीछे भेज मतलब खेदने में पीछे भेजने में लगी रहती ना, लेकिन ट्रैफिक का क्या नियम रहता है कि अगर एक बार आप खड़े हो गए तो आपको आगे ही जाना पड़ेगा, आगे नहीं, पीछे नहीं जा सकते, पीछे जाने के कोई ऑप्शन ही नहीं, धक्के मारेंगे आगे जाओ, धक्के। ऐसा मुंबई की लोकल ट्रेन में भी होता है, कोई तुमको पीछे नहीं खींचेगा, मारेगा धक्का चाहे आप ट्रेन से बाहर क्यों ना चले, आगे हर कोई आगे करने में लगा है आपको, बस आगे लगे रहो भाई, देख सकते हो ट्रैफिक का भी यही नियम है। देखते रहे भैया, हम लोग मज़ा ले रहे हैं वैसे तो गाड़ी वाड़ी पे बढ़िया आराम से, पीछे SI सर हैं, देख के डर लग रहा है कहीं फोन वोन न छीन ले, देखते रहिए भाई। दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे यार। तो आज मेरा ड्राइविंग का सेकेंड डे है, और क्या है कि अभी हम जा रहे थे इधर भिवंडी की तरफ, तो क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई कि पूछो मत, गाड़ियाँ देख सकते हैं हमारे पीछे कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है। और कहाँ पे जा रहे हैं, भिवंडी रनल अंजूर फाटा, भिवंडी सिटी अंजूर फाटा रनल रोड, अच्छा अंजूर फाटा रनल रोड, रोड जो भी बोलते हैं ट्रांसपोर्ट एरिया है, तो मतलब माल हम लोगों ने वहाँ पे लोडिंग करवाया था, और उसके बाद अब जा रहे हैं लोडिंग दूसरी जगह ले जाएंगे। ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं भाई, एक कंपनी से माल दूसरी कंपनी की तरफ ले जाना, वही होता है ट्रांसपोर्ट का मतलब। और हमारे अर्जुन भाई ने आज हमें गाड़ी दी थी यार चलाने को सेकंड डे में, और फर्स्ट गियर से ही हम चलाना सीख रहे थे भाई, देखा था ना, अच्छी चलाई है फर्स्ट गियर में, सेकंड डे इसके लिए फिर भी सही चलाया है भाई को, 2-3 दिन में और आगे बढ़ने के लिए दूसरा तीसरा गियर तक लेके जाएंगे। हाँ भाई, वो कहते हैं ना उनका हाथ बैठ जाएगा तो अच्छा, राइट राइट, कहते ना भाई एक एक करके सीढ़ी चढ़ो, इकट्ठा चढ़ोगे ना तो गिर जाओगे, इसलिए एक एक करके सीढ़ी सीख चढ़ रहे हैं। फर्स्ट गियर फर्स्ट डे, सेकेंड डे में फर्स्ट गियर, उसके बाद फिर थर्ड, सेकेंड गियर फिर थर्ड गियर, ऐसा करके धीरे धीरे सीख जाऊंगा। और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई यार गाड़ी सिखा रहे हैं, और जल्द ही सीख जाऊंगा गाड़ी और ड्राइविंग सीख जाऊंगा। तो अभी देख सकते हो ट्रैफिक का भाई कितना ज़्यादा नज़ारा यहाँ पे है, हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से थोड़ा बहुत सीन यहाँ का, देखिए क्या गलियाँ यहाँ पे है भाई, कैसा यहाँ का ट्रैफिक है, मज़ा है भाई अलग। देख दोस्तों, देख सकते हैं ये जो मेट्रो का काम चालू है, मेट्रो लाइन है, और ये भिवंडी से, भिवंडी से किधर जा रही है लाइन मेट्रो की, ये ठाणा रोड है, अच्छा रनाल पुरना कालेर, अच्छा अच्छा ये कालेर रनाल पुरना ये सब उधर होते हुए इधर थाने से, मतलब ये भिवंडी की और मेट्रो की लाइन से, और ट्रैफिक देख सकते हैं गाइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक लग चुका है, खाली आपको यहाँ पे पिकअप ट्रक्स बड़े बड़े ओनली ट्रक और कार्स भी हैं, और ये हमारी गाड़ी है जो कि टाटा एस की है भाई, इसी पे हम बैठे रहते हैं और इसी में गाड़ी वाड़ी सीखते हैं। देख सकते हैं हमारे अर्जुन भाई भी यहाँ पे हैं, और भी जितने ड्राइवर्स लोग हैं सब लोग भाई, काफ़ी देर हो चुकी है इसलिए सब लोग बाहर खड़े होकर आराम से हवा ले रहे हैं, देखते रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे एक अंकल जी हैं जो कि हमारे ही पड़ोसी निकले यार, यूपी लखनऊ के बगल में बाराबंकी वहीं से हैं, और हम भी यूपी के उन्नाव ज़िले से हैं भाई, देख सकते हो। तो अंकल जी यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है ना वैसे, बहुत बहुत बहुत, और कब से आप गाड़ी चला रहे हो, डेली, और वैसे यहाँ पे भिवंडी लाइन में कुछ ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, रास्ता ख़राब है, मेट्रो बनना है ना, मेट्रो की वजह से मतलब कार्य चालू है इसलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पे ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, इसकी वजह से गाड़ी जो है ज़्यादा ही ज़्यादातर कंपनी की गाड़ी। हाँ हाँ, अभी महाराष्ट्र में फेमस है भाई भिवंडी, आप अगर सर्च करोगे तो
भिवंडी फेमस है और यहाँ की रोडें इसलिए ख़राब है ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे अधिकतर गाड़ियाँ हैं और ट्रांसपोर्ट लाइन है इसलिए ज़्यादा महाराष्ट्र में। और हमारे अर्जुन भाई कुछ बोल रहे हैं, भाई ऐसी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने का मन करता है? नहीं यार, दिल ही नहीं करता। मेरा तो जी मचलाने लगता है भाई अगर मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। लूट गया है ट्रैफिक में गाड़ी, क्या चला है। गाड़ी जब भी अच्छी लगती है जब भाई बस सुनसान रोड है, बस हाईवे पे चलाते रहो, देख सकते हैं बाइक वाले कैसे जा रहे हैं भाई। तो देखते रहे ब्लॉग को यार। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा। तो देख सकते हैं यार इतनी ट्रैफिक में मतलब सर दर्द करने लगा था, प्यास भी लगी थी। और अर्जुन भाई लेकर आए हैं ये चिंटू काइट्स का ये ऑरेंज का जूस, मस्त है भाई, पीना हो तो आ जाओ, एक चेस दोस्ती के नाम, बहुत भाई तीखा है, मजा आ रहा है भाई। इसे कहते हैं भाई मस्त। सोडा है क्या अंदर? सोडा मिक्स है। अच्छा हाँ मिक्स है, इसको तीखा नहीं बोलता। एक नंबर भाई, अभी क्या है ना एनर्जी मिल जाएगी मुझको, जैसे पबजी नहीं खेलते हैं तो उसमें एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, वही एनर्जी ड्रिंक है। देखते रहिए भैया। दोस्तों 2 घंटे हो गए हैं ट्रैफिक में फंसे हुए, मेरा तो सर भी दर्द करने लगा यार, बैठे बैठे हालत ख़राब हो रही, इतना ट्रैफिक है भाई कि 2 घंटे से ज़्यादा हो गया है, अभी भी गाड़ी निकलने का एक भी कहीं भी जगह ही नहीं है, इतना ट्रैफिक है भाई। देख सकते हैं हमारे पीछे थार खड़ी है भैया, थार मस्त कार होती है।